भूखे आ जाएंगे आगे सर, इधर जाओ सर, भूखे लग जाएंगे सर, भूखे लग जाएंगे सर, भूखे लग जाएंगे सर, पीछे तो सूबेदार करनैल सिंह को आखिरी सलामी इस वक्त दी जा रही है। जम्मू से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नासिक से इस वक्त आपको बता दें मेरे सहयोगी नासिक में मौजूद हैं लगातार इस चर्चा के दौरान। मुकुंद कुलकर्णी हमारे साथ हैं और शहीद टीएस सोमनाथ के परिवार के साथ वो इस वक्त मौजूद है। मुकुंद, पूरी चर्चा उन्होंने सुनी है पिछले 40 मिनट 45 मिनट, इसको सुनने के बाद वो देश की सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन सब लोगों के मन में एक गुस्सा है, बार बार ऐसे हमले होते हैं और हमारे जवान एक के बाद एक शहीद होते जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिर सिर्फ चर्चा और चर्चा होती है। इसके बारे में उनके मन में एक गुस्सा है। इनका कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब बदला लेने की समय आ चुका है। संदीप जो शहीद हुए हैं जवान, उनके जीजा हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वर चौहान के, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना ये जानेंगे। सर, क्या बताएंगे? मेरा पंतप्रधान जी से ये कहना है कि ये जो हमला हुआ है कल उरी सेक्टर में, वहाँ 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। सरकार को सैनिकों के हाथ खुले छोड़ देने चाहिए, एक आर्या पार की लड़ाई होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए कितनी जाने जाएगी ऐसी। ऐसा सरकार ने कुछ चर्चा पे चर्चा ये न करके कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जहाँ से पाकिस्तान को पूरा हम नामशेष कर सके। देखिए, बहुत सारी राजनीति हो रही है इस हमले पर भी, आप किस नज़र से देखते हैं? राजनीति तो हमले पर होती ही रहती है, क्योंकि कल से 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार सिर्फ चर्चा कर रही है, कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले रही है, इसलिए लोगों के मन में सरकार के प्रति अभी संताप होने लगा है। क्या लगता है, जब एक घर का एक नौजवान शहीद हो जाता है, भारत माता का सुपुत्र होता है, और एक घर भी जिसपे अवलंबन रहता है वो ही जाता है? ये जो हमारा परिवार है पूरा, वो खेती करता है पूरा परिवार, और परिवार का वही एक ऐसा सदस्य था जो बाहर से कमा कर लाता था और हमारे परिवार को वही चलाता था। 3-3.5 बरस पहले वो आर्मी में ज्वाइंट हो गया और हमारे घर की तरक्की होने लगी, लेकिन आज हम क्या करें? हम उनकी शादी करने वाले थे, शादी में नाचने के बजाय आज उनकी आरती हमें उठानी पड़ रही है। ये देखिए, ये इस परिवार की स्थिति है, भाई है जो ये कह रहे हैं कि शादी करने की सोच रहे थे और आज सुरेश जी शादी में नाचने के बजाय अर्थी उठानी पड़ रही है। लेकिन पहली बात जो उन्होंने कही ना स्मिता प्रकाश, उन्होंने कहा कि हाथ खोल देने चाहिए सेना के। आखिरी बार जब सेना और पुलिस के हाथ खुले थे तो बुरहान वानी की मौत हुई, और उसके बाद से 70-72 दिन से कर्फ्यू लगाया घाटी में, और आए दिन वही बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी ये कह रहे थे कि पैलेट गन क्यों चलाते हो, पैलेट गन तो बंद कर देनी चाहिए। तो फिर आतंकवादियों का सामना करने में साथ कहाँ हैं, हम एकजुट कहाँ हैं? हम तो अपनी अपनी सुविधा की राजनीति तलाशते हैं। देखिए, एक तरफ इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, दूसरी तरफ बॉर्डर को सिक्योर करना, और जिस तरह किसी ने अभी कहा दुश्मन मुल्क पर हमला करना, पहली बात तो आज तक हम उसे दुश्मन मुल्क का दर्जा नहीं दे पाए हैं। तो जब दुश्मन मुल्क कहते हैं तो वो अलग ही कॉनोटेशन होता है, उसके साथ फिर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकते। हम अपने एम्बेसडर को वापस बुलाएं, उनके एम्बेसडर को वापस भेजें, पहले ये हाई कमिश्नर, पहले हम ये कदम उठाएं, उसके बाद डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन होता है, उसके बाद ट्रीटीज का रद्द करना होता है, एक के बाद एक कदम होता है। दुश्मन मुल्क जो है वो ये बोलना आसान है टीवी डिबेट्स में, लेकिन एक पद्धति होती है, उसे हम फॉलो करना होता है हम लोगों को। जब तक वो नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली वी कैन नॉट टेक एक्शन, जैसे सब लोग कह रहे हैं, हाँ
हम भावुक जरूर होते हैं, रोहित आप भी भावुक हो गए क्योंकि हम सुबह से यही शॉट्स देखते आ रहे हैं। कल से हमें पता था कि कॉफिन्स आएंगे, सलामी होगी, छोटे बच्चों को हम देखेंगे कि वो लास्ट राइड्स कर रहे हैं, माँ बाप के देखेंगे, ये देखना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए भी पत्रकारों के। इट्स वेरी इजी कि जब राजनीतिक आते हैं और साउंड बाइट्स दे के चले जाते हैं, लेकिन हमें बैठ के ये पिक्चर्स देखने पड़ते हैं जो अभी आप देख रहे हैं, जब माएँ रो रही होती हैं, जब हमें ये पिक्चर्स एडिट करना होता है, जब यही पिक्चर्स हमें लूप पर बार बार देखना पड़ता है, तब हम सोचते हैं कि हाँ ये क्या बात है कि हमें ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। लेकिन दैट इज़ द सैड पार्ट कि ये करना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये करना पड़ता है कि हमें पहले सभी मुल्कों को बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क की तरह देखते हैं, एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन की तरह देखते हैं, उन्हें आइसोलेट कीजिए, उनके साथ ट्रेड मत कीजिए। सिर्फ भारत नहीं, साउथ एशिया के सारे मुल्क, सभी मुल्क, सिर्फ साउथ एशिया नहीं, सारे विश्व के मुल्क, जैसे नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस है वैसे आप पाकिस्तान पर सैंक्शंस कीजिए। ये सब हमें एक एक कदम लेना पड़ेगा और इसे एक क्रम प्रकार जाना पड़ेगा। हाँ, भावुक होकर ऐसे कदम नहीं लिया जा सकता। ठीक, आप कह रही हैं भावुक होकर कदम नहीं लिया जा सकता। आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं सिद्धार्थनाथ से पूछूंगा कि प्रैक्टिकली क्या सरकार ऐसा करने की स्थिति में, उच्चायुक्त को वापस बुला लें। एएनआई के एडिटर सुमिता प्रकाश जी को मैं शुरू से सुन रहा हूँ, तो मैंने देखा उनकी आंखें भरी हुई थी। बिल्कुल, आम तौर पे जो पत्रकार होता है वो रोज चीजें जो देखता है, डेली देखता है, वो इतना सख्त हो जाता है, आंखों में आंसू नहीं होते, उसकी आंखों में आंसू थे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा इस दुनिया को कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, जिस तरीके से राजनाथ जी ने पहली बार ये कहा, ये छोटी सी बात नहीं है, पहली बार कहा ये आतंकवादी देश है। और मैं कई सालों कई वर्षों से कह रहा हूँ, चलो शुरुआत हुई, यूनाइटेड नेशन में जाए, जिन कंट्रियों के साथ इतने सालों से हम बात कर रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, आपके रोज सिग्नेचर होते हैं, आज उन कंट्रियों को बात करके और यूनाइटेड नेशन में केस लेके और पाकिस्तान को 26/11 पठानकोट घटना, दीनानगर घटना, कल की घटना, कारगिल की घटना को लेकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करके पाकिस्तान को आतंकवादी देश क्यों नहीं घोषित किया जाता, इसके लिए हम कोशिश क्यों नहीं करते। ठीक, सिद्धार्थनाथ सिंह, क्या हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि हम उनके उच्चायुक्त को वापस भेज दें, अपना उच्चायुक्त बंद कर दें और पाकिस्तान को ये पूरी तरह से एक क्लियर मैसेज दे दिया जाए कि सब ऐसे चल नहीं पाएगा। देखिए, जहाँ तक कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, उसकी कूटनीति के कई हिस्से हैं, उसके पर संपर्क कट गया। सिद्धार्थनाथ सिंह, आपकी तस्वीर चली गई, आपकी आवाज़ भी चली गई है। आप बी डी मिश्रा, आप कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि आज के दिन पूरी सियासत में, पूरे राजनीतिक डिस्कशन में दो चीज़ें जो परिवारों ने कहा इनके, वो हम बिल्कुल मिस कर गए हैं। आपने शायद सुना होगा, एक लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी कहते थे कि सोल्जर की मृत्यु नहीं होती है, वो शहीद होता है और मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूं। और एक माँ ने कहा कि मेरे दो बच्चे और हैं और ये दो बच्चे बदला लेंगे, फौज में जाएंगे। ये हम मिस कर गए और हम ब्लेम गेम पर आ गए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, हमको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी कड़ा जवाब के माने हमारे जैसे सोल्जरों की अस्थियां आएंगी, यहां पर डेड बॉडीज आएंगी, देश को तैयार रहना पड़ेगा। यह कह के हम अलग नहीं हो सकते हैं कि हम कड़ा जवाब देंगे और हम सब लोग बैठे रहेंगे। हमको यह करना पड़ेगा, चाहे हमारी बीस लाशें और आए, लेकिन देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, बुरा कहां लगता है मिश्रा जी? बुरा यहां लगता है कि कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई बॉर्डर पे ऐसी चीज नहीं हो रही, आपके सैनिकों को सोए हुए कोई मार के चला जाता। मैं पूरा समझ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ड ऑप्शन रखो और देश तैयार रहे और राजनीति बंद हो। हम विस्तार से पूछते हैं आपसे, आज हम कार्यक्रम को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शक कह रहे हैं कि कार्यक्रम को थोड़ी देर और चलाइए, क्योंकि हम अभी और सुनना चाहते हैं अपने एक्सपर्ट्स की बात को। स्मिता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा समय और दे पाए 10 से 15 मिनट का, तो हम चाहते हैं आप चर्चा में रहें, बिना पॉलिटिशियंस के हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम राजनीतिक बहसबाजी, एक बात कहूं जी जी बोलिए।
लाशें दूसरी तरफ होनी चाहिए, लाशें हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए। जंग वही होता है जिसमें हम जीत जाएं, जंग वहां नहीं छेड़ना चाहिए जहां लाशें हमारी तरफ आएं। स्मिता जब ये बात कह रही हैं, खैर मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो आप कह रही हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आज तक कोई भी ऐसी जंग नहीं हुई है जहां एक आर्मी की कैजुअल्टी ना हुई हो और दूसरे की हुई सर, हो जंग तो हमको तैयार होना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं मिश्रा जी, फिर ऐसा मौका ना आए कि आप यह कहें कि इतनी कैजुअल्टी हो गई, होनी है, लेनी पड़ेगी। हम तो फौजी रहे हैं और हम 62 वार में गए थे जहां पर हमारी टोटल कैजुअल्टीज हुई थी, उस तरफ की बहुत कम हुई थी, उसके लिए भी हम तैयार थे। आज भी तैयार रहना पड़ेगा, देश की सुरक्षा हर प्राइस पर होगी।